प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। कोरोना एक ऐसा नाम है जिसका रोना आज हर कोई रो रहा है। कोरोना महामारी ने लोगों को घर में समेट दिया है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं जो इससे पीछा छुड़ाना नहीं चाहता हो। लोग कोरोना के नाम से ही डरे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर भारत के तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कोरोना देवी का मंदिर चर्चा में है। मानो तो पत्थर में भी भगवान को चरितार्थ करते हुए इस मंदिर को बनाने के पीछे केवल एक ही मकसद है कि कोरोना से बचा जा सके। बता दें कि ये टेंपल देश में इकलौता नहीं है, ये दक्षिण भारत में कोरोना देवी को समर्पित दूसरा मंदिर है। इससे पहले केरल के कोलम जिले के कडक्कल में इस तरह का एक मंदिर का निर्माण कराया जा चुका है। तमिलनाडु में बना कोरोना देवी का ये मंदिर कोयम्बटूर शहर के इरुगुर के पास कामाचीपुरम में है। मंदिर की स्थापना कामाचीपुरम आदि नाम के अधिकारियों ने अपने परिसर में ही की है। बताया जाता है कि कोरोना देवी एक काले पत्थर की मूर्ति है जो 1.5 फीट लंबी है। मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है और यहाँ महायज्ञम किया जाता है। वही यहाँ केवल मंदिर के पुजारी ही पूजा कर सकते हैं। लोगों को यहाँ पूजा करने की मनाही है। बता दें कि दक्षिण भारत में कई फिल्म स्टार्स के भी मंदिर बने हैं। वहीं 1900 के दशक में जब प्लेग महामारी फैली थी, उस वक्त लोगों ने प्लेग मरियम्मन मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं आपको बता दें कि तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या काफी ज्यादा है और अभी भी यहां कोरोना के केसेस लगातार मिल रहे हैं। हालांकि देश में कोरोना की दूसरी लहर थमती दिख रही है। इस अपडेट में इतना ही। इसी तरह की दूसरी जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।